इंडियन एयरफोर्स जो वर्ल्ड की फोर्थ लार्जेस्ट एयरफोर्स है, फ्यूचर में इंडिजिनसली डिजाइंड एंड डेवलप्ड एलसीए तेजस की करीब 350 यूनिट्स को ऑपरेट करेगी, जिसमें MK-1, MK-1A और MK-2 वेरिएंट्स इंक्लूड होंगे। MK-1 वेरिएंट की टोटल 40 ऑर्डर्ड यूनिट्स में से 32 यूनिट्स ऑलरेडी फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस स्टेज में हैं और 8 यूनिट्स ट्विन सीटर ट्रेनर्स हैं जिनकी डिलीवरी अभी कंटिन्यू है। MK-1A वेरिएंट के 83 यूनिट्स के ऑर्डर में से पहली यूनिट की डिलीवरी कुछ वीक्स में होने वाली है और इस साल प्रॉबेबली MK-1A वेरिएंट की 5 यूनिट्स एयरफोर्स को डिलीवर हो सकती हैं। नेक्स्ट ईयर 16 यूनिट्स और 2026 से 24 यूनिट्स पर ईयर के हिसाब से। MK-1A की 97 यूनिट्स के लिए डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा HAL को रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल इशू की जा चुकी है और कुछ महीनों में उसका ऑर्डर भी फाइनल होने वाला है। LCA के MK-2 वेरिएंट की प्रोडक्शन में अभी मिनिमम 5 साल का टाइम लगेगा और IAF पॉसिबली 120 LCA मार्क 2 का ऑर्डर प्लेस कर सकती है। सो, अगले 10 साल में इंडिया का होम ग्रोन तेजस इंडियन एयरफोर्स की कॉम्बैट पावर का लीडिंग एयरक्राफ्ट होगा। करंटली सुखोई 30s हैं जो इंडियन एयरफोर्स की फाइटर फ्लीट के मेजॉरिटी और सिग्निफिकेंट फाइटर्स हैं विद 260 प्लस सुखोईस, और ऑपरेशनल 32 स्क्वाड्रॉन्स में से 14 से 15 स्क्वाड्रॉन सिर्फ सुखोई 30s की हैं। आज हम HAL प्रोड्यूस्ड LCA तेजस और अमेरिकन फर्म लॉकेड मार्टिन के F-16 की बात करने वाले हैं। एक इंडिया का इंडिजिनस एयरक्राफ्ट है जो अपनी कैपेबिलिटीज़ की वजह से ना सिर्फ एक डोमेस्टिक प्रोडक्ट है बट इसका एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी काफ़ी है, और दूसरा वर्ल्ड का मोस्ट एडवांस्ड फाइटर जेट। ऑफकोर्स F-16 तेजस के कंपेरिजन में काफ़ी एडवांस्ड है बट तेजस एक इवॉल्विंग फाइटर है और MK-1A वेरिएंट में MK-1 वेरिएंट के कंपैरिजन में बहुत सारी एडवांसमेंट्स हैं। एक्सपोर्ट पोटेंशियल के पॉइंट ऑफ व्यू से 2017 में इंडियन एयरफोर्स ने इंडियन गवर्नमेंट को ये कहा था कि LCA तेजस अपने कॉम्पिटिटर्स से काफ़ी पीछे है, फॉर एग्जांपल F-16 और स्वीडिश फर्म साब का जैस 39 ग्राइपन, बट F-16 को वर्ल्ड का सबसे एडवांस्ड फोर्थ जनरेशन फाइटर माना जाता है। सो, थोड़ा LCA मार्क 1A और F-16 के लेटेस्ट वेरिएंट ब्लॉक 70 के कुछ पैरामीटर्स को कंपेयर करते हैं। F-16 के कंपैरिजन में LCA में कुछ शॉर्टकमिंग्स हैं क्योंकि F-16 एक फुली इवॉल्व्ड एयरक्राफ्ट है। सो, LCA और F-16 दोनों ओरिजिनली फोर्थ जनरेशन फाइटर्स हैं बट टाइम के अकॉर्डिंग F-16 में बहुत सारी एडवांसमेंट्स हो चुकी हैं जो इसको फोर्थ प्लस जनरेशन एयरक्राफ्ट की कैटेगरी में रखती हैं। ऐसे ही LCA मार्क 1 फोर्थ जनरेशन है बट मार्क 1A में एडवांसमेंट्स के साथ वो एक फोर्थ प्लस जनरेशन एयरक्राफ्ट होगा। F-16 की फर्स्ट फ्लाइट 1974 में कंडक्ट की गई थी और LCA की 2001 में। F-16 की इंडक्शन USA एयरफोर्स में 1978 में हुई और LCA की इंडियन एयरफोर्स में 2016 में। LCA की अभी तक अराउंड 32 प्लस यूनिट्स प्रोड्यूस की गई हैं बट F-16 फाइटिंग फाल्कन की 4600 प्लस यूनिट्स प्रोड्यूस की जा चुकी हैं, जिसको USA के साथ 28 और कंट्रीज को डिलीवर किया जा चुका है। ये दोनों एयरक्राफ्ट्स एक दूसरे से बहुत अलग हैं, जैसे कि वेट, वेपन कैरेज, परफॉर्मेंस, रडार सिस्टम और प्लायंस। HAL के अकॉर्डिंग तेजस वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट फोर्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट है। डायमेंशंस की बात करें, तेजस की फ्यूजलेज लेंथ 43 फीट, विड्थ 27 फीट और हाइट अप्रॉक्सीमेटली 14.5 फीट है। F-16 कंपैरिजन में लार्जर एयरक्राफ्ट है, 49 फीट लेंथ, विड्थ 33 फीट और हाइट 16 फीट। तेजस का एम्प्टी वेट 6.5 टन्स है और मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 13.5 टन्स। F-16 का एम्प्टी वेट 9 टन्स और मैक्सिमम टेक ऑफ वेट अराउंड 21 टन्स। यहाँ पर तेजस काफ़ी पीछे है। तेजस की मैक्सिमम स्पीड 1900 किलोमीटर पर आवर है और F-16 की 2100 किलोमीटर पर आवर। तेजस की रेंज 3200 किलोमीटर है फेरी रेंज एंड F-16 की 4200 किलोमीटर। LCA का मैक्स ऑपरेशनल एल्टीट्यूड है 16,000 प्लस मीटर्स और F-16 की सर्विस सेलिंग है मैक्सिमम 15,000 मीटर्स। यहाँ पर तेजस F-16 से थोड़ा आगे है। पास्ट में इंडियन एयरफोर्स ने तेजस की शॉर्ट कमिंग्स को पॉइंट आउट किया था, जैसे कि 59 मिनट्स का पुअर कॉम्बैट एंड्योरेंस एज कम्पेयर टू 4 आवर्स ऑफ F-16। F-16 के कंपैरिजन में पेलोड कैपेसिटी भी कम है,
फॉर एग्जांपल अगर किसी टारगेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए 36 बॉम्ब्स की ज़रूरत है, उसके लिए 6 तेजस की ज़रूरत पड़ेगी। बट दूसरी ओर F-16 या ग्राइपन वहाँ पर 3 ही काफ़ी हैं, और अभी तेजस कॉम्बैट प्रूव्ड भी नहीं है। सो ये कुछ इश्यूज़ हैं। ये हम कंपैरिजन की बात कर रहे हैं। अगर हम तेजस को इंडिविजुअली देखें तो कोई इशू नहीं है, बट मार्केट कॉम्पिटिटर्स या फिर एक्सपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से कंपैरिजन भी ज़रूरी है, बिकॉज उसके बिना इम्प्रूवमेंट नहीं की जा सकती। इंडियन एयरफोर्स टाइम टाइम पर इस तरह की शॉर्टकमिंग्स को मैन्युफैक्चरर्स और गवर्नमेंट के सामने लाती रहती है ताकि उसमें इम्प्रूवमेंट्स की जा सकें। तेजस MK-1A की मैन्युवरेबिलिटी या मूवमेंट फ्लैक्सीबिलिटी F-16 के ऑलमोस्ट बराबर है, तेजस की 8G और F-16 की 9G। जी का मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, जो एयरक्राफ्ट की मैक्सिमम ग्रेविटेशनल लोड कैपेसिटी होती है, जिसका डायरेक्ट इफेक्ट पायलट्स की बॉडी पर पड़ता है। फॉर एग्जांपल जब एक पायलट शार्प टर्न लेता है तो उसका ब्लड फ्लो ब्रेन से लोअर बॉडी की तरफ रश करता है, और टर्न जितना ज़्यादा शार्प होगा इफेक्ट उतना ज़्यादा। और कुछ सेकंड्स तक अगर हाई जी फोर्स बॉडी पर रहती है तो कॉन्शियसनेस भी पायलट की लूज हो सकती है। सो जितनी एयरक्राफ्ट की जी लिमिट ज़्यादा होती है उतनी बेटर, उससे एयरक्राफ्ट की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है और पायलट की बॉडी पर जी फोर्स का इफेक्ट भी कम पड़ता है। LCA Mk-1A को इंडिपेंडेंटली देखें तो कई मेजर चेंजेस हैं। फॉर एग्जांपल एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड एरे रडार, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग, एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक सूट, एडवांस्ड सेंसर्स, एडवांस्ड बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल और मॉडर्न एवियोनिक्स। एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड एरे AESA रडार सिस्टम में टारगेट्स को क्विकली स्कैन और ट्रैक करने की कैपेबिलिटी है, जिससे मल्टीपल टारगेट्स को डिटेक्ट और ट्रैक करके बेटर सिचुएशनल अवेयरनेस और फास्टली रिस्पॉन्ड किया जा सकता है, और हाई स्पीड्स और टर्न्स में टारगेट्स को मिस करने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। MK-1A वेरिएंट में पेलोड कैपेसिटी को भी इंक्रीज किया गया है, और ये कई तरह के बॉम्ब्स और रॉकेट्स, एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड म्यूनिशंस और मिसाइल्स, जैसे एयर टू एयर मिसाइल अस्त्र डर्बी एंड पाइथन, एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स जैसे ब्रह्मोस और रुद्रम को कैरी कर सकता है। प्रीवियस वेरिएंट के कंपैरिजन में इसके डिज़ाइन में भी कुछ चेंजेस किए गए हैं और मैन्यूवरेबिलिटी में भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है। Mk-1 और Mk-1A में जनरल इलेक्ट्रिक का GEF-404 इंजन यूज़ किया गया है, जो 47 से 85 किलो न्यूटन की पावर जनरेट करता है। MK-1A में मोर पावरफुल GEF-414 इंजन को भी यूज़ किया जा सकता था, जो इसकी पावर को कम्प्लीटली चेंज कर देता, बट 414 का डायमीटर 404 से बड़ा है, जो MK-1A के लिए कंपैटिबल नहीं है, क्योंकि MK-1A के फ्यूजलेस को 404 इंजन के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया गया है, और 414 इंजन फिट करने के लिए डिज़ाइन में चेंज करना होगा। सो GEF-414 को LCA Mk-2 में यूज़ किया जाएगा। तेजस के प्रीवियस वेरिएंट की इंटरनल फ्यूल स्टोरेज कम है और एक्सटर्नल ड्रॉप टैंक की ज़रूरत पड़ती है, बट LCA Mk-1A में मिड फ्लाइट एयर टू एयर रिफ्यूलिंग की प्रोविज़न है, जो कि एक बड़ा प्लस पॉइंट है। F-16 40 साल से सर्विस में है, जो बहुत सारे अपग्रेड्स से गुजर चुका है और एडवांस टेक्नोलॉजीज एंड इम्प्रूव्ड कैपेबिलिटीज़ के साथ नए वेरिएंट्स में इवॉल्व हो चुका है। करंटली F-16 की अराउंड 3100 यूनिट्स 25 कंट्रीज़ की सर्विस में है, और इसकी प्रोडक्शन आज भी कंटिन्यू है। दूसरी ओर LCA एक इवॉल्विंग और मैच्योरिंग एयरक्राफ्ट है, जो इंडिया की स्ट्रेटजिक एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग का मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सक्सेसफुल प्रोजेक्ट भी है। LCA Mk-2 या Tejas Mk-2 एक फुली इवॉल्व 4.5th+ जनरेशन एयरक्राफ्ट होगा।